हाय, वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, फाइनल अकाउंट। अकाउंट्स नाम से आप सब डरते हो, आई डोंट नो आपको पसंद भी होगा, बहुत लोगों को पसंद है, लेकिन बहुत लोग को अकाउंट्स नहीं पसंद है। लेकिन मैं बता दूँ, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, डेफिनेटली आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आज के बाद से आपको अकाउंट्स पसंद आने लग जाएगा कि हाँ, अकाउंट्स तो बहुत ईजी है, बस उसको समझने की देर है। तो आज मैं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगी कि फाइनल अकाउंट हम बनाते क्यों है और किस तरीके से बनाते। तो आप मेरे साथ बने रहो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम देखते हैं, अगर फाइनल अकाउंट मतलब क्या होता है। नाम से समझ में आ रहा है, ये जो अकाउंट हम बनाएंगे ये फाइनल होता है, मतलब इसके पहले भी तो बहुत कुछ होता होगा ना, अगर ये फाइनल है तो। फाइनल अकाउंट को डबल एंट्री सिस्टम भी बोला जाता है कि वो एक जगह रिकॉर्ड नहीं होता है, वो कहाँ रिकॉर्ड होता है, दो जगह। अब मैं बताऊँगी आगे दो जगह किस तरीके से होता है, बट हम देखते हैं कि इसको फाइनल अकाउंट बोला जाता है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, बेसिक क्या है। तो चलो, बेसिक क्या है कि अगर ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब अगर आप कभी भी कुछ चीज़ परचेस करते हो, जैसे आप गए नॉर्मल किराने की स्टोर में कुछ परचेस किया, तो उनको तो एंट्री करनी पड़ेगी ना कि आपने कितने का परचेस किया कितने का नहीं। कुछ एंट्री नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं तो होती है। बहुत लोगों को, जैसे जिसके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बिजनेस मैन को क्या करना पड़ता है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना रहता है रिकॉर्ड रखने के लिए, क्योंकि CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम तो सुना होगा। तो नॉर्मल उनको क्या करना रहता है कि वो बुक बाद में ऑडिट होती है, चेक होता है कि हाँ ट्रांजैक्शन वो जो शो कर रहा है वो सही है या नहीं। और ये शो क्यों करना पड़ता है, टैक्स पे करने के लिए। तो सारा कंसेप्ट तो ये है कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट या जो भी एंट्री हमें बनानी रहती है, वो इसलिए बनानी रहती है कि हमारा जो भी अकाउंटेंट रहेगा वो बाद में चेक करेगा, और वो उनको वैलिड चाहिए कि वो एंट्री सही रहनी चाहिए। अगर एंट्री गलत रही तो हम पे एरर मार्क होगा ना, तो एंट्री तो सही चाहिए, वन टैक्स पे करना है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो ट्रांजेक्शन करते हैं, अब बिजनेस जो ट्रांजेक्शन, बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस में छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते नहीं है। 50,000 1 लाख का समझो रॉ मटेरियल लिया, अब क्या किया मैंने, लिया मैं हूँ समझ लो डायरेक्ट मैं कंपनी हूँ, और मैंने क्या किया 1 लाख का रॉ मटेरियल लिया। अब जब मैंने 1 लाख का रॉ मटेरियल लिया तो उसकी कुछ तो मतलब मैंने परचेस किया ना, तो परचेस रिसिप्ट मिलेगी, परचेस बिल एक रिसिप्ट मिलता है। जैसे हम कभी भी बिजनेस कुछ शॉप में खरीदने जाते हैं, शॉपिंग करते, तो रिसिप्ट के बिना तो होता नहीं है, तो वो रिसिप्ट मिलेगी, तो वो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। अब हमें डॉक्यूमेंट मिला तो अब मैं आपका, मैं तो बिजनेस मैन हूँ ना, तो मुझे उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं जनरल एंट्री के थ्रू की एंट्री करूँगी कि हाँ मैंने क्या किया, परचेस, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश गया। इसका मैंने पिछले वीडियो में बताया था गोल्डन रूल, अगर आपको और जानना है कि जनरल एंट्री क्या होती है तो आप कमेंट करो, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो इस तरीके से मैंने नॉर्मल एंट्री की, अब मैं क्या करूंगी, उस एंट्री का पोस्टिंग इन लेजर, लेजर में पोस्टिंग करूंगी। लेजर कैसा होता है, एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, और जैसे यहाँ परचेस अकाउंट लिख दूंगी मैं कि हाँ वहाँ क्या करूंगी मैं एंट्री करने वाली हूँ, तो वहाँ रहेगा परचेस, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, और मैंने क्या परचेस किया वो एंट्री कर दी। तो एक तरीके से वो लेजर होता है, वो 11th में हम पढ़ चुके हैं, ये आज जो मैं पढ़ा रही हूँ 12th का है। तो अब लेजर में पोस्टिंग कर दी, अब लेजर में जब पोस्टिंग होती है तो जो भी रहता है उसका टोटल करती है कि हाँ डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी सेल में या परचेस में ट्रांजेक्शन में मुझे क्या हुआ है। तो वहाँ वो जो पोस्टिंग, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग एंड कास्टिंग, किसका टैली करना। अब वो करने के बाद क्या करते हैं, जो भी अमाउंट आता है, अब हर एक आइटम का भी समझ लो, यहाँ परचेस का मैंने लेजर बनाई थी और ओवरऑल आ गया कि परचेस में समझो यहाँ मेरे को डेबिट में अमाउंट मिल गया। अब वो परचेस का अमाउंट मैं क्या करूँगी, उसकी एंट्री मैं ट्रायल बैलेंस में करूँगी। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसा होता है, क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊँगी दिखाऊँगी। तो वो अब मैं ट्रायल बैलेंस में एंट्री कर दी, अब उसके बाद क्या होता है, अब लास्ट एंट्री होती है फाइनल अकाउंट में। तो ये जो ट्रायल बैलेंस हमें क्वेश्चन में दिया रहता है कि ट्रायल बैलेंस एक तरीके से दिया रहेगा, तो उसमें से हमारे सारे फिगर रहेंगे, मतलब जो भी अकाउंट का परचेस रहेगा, सेल्स रहेगा, वेजेस रहेगी, रेंट रहेगी, सैलरी रहेगी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउट,
प्लांट मशीनरी मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड सारे आइटम्स उसके अंदर रहेगी, चाहे वो असेट्स के हो, लाइबिलिटी के हो, या फिर बिजनेस से रिलेटेड हो, फैक्ट्री से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, बट जितने भी है या ऑफिस में जो लॉस हुआ है लाइक गुड्स स्टोलन, किसी भी तरीके का गुड्स लॉस इन फायर, जिस भी तरीके का लॉस हुआ है वो सारी हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। किस में? वो ट्रायल बैलेंस में सब रहेगा। अब उस ट्रायल बैलेंस से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट रहते बताते। जहाँ क्या होता है कि अब हमें तो पता चल गया ना कि हाँ हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन किया है और डॉक्यूमेंट बने, इस तरीके से सारा प्रोसेस हो गया। अब जो भी दिया रहेगा वो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, और उस ट्रायल बैलेंस से हमें क्या करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट में उसकी एंट्री करनी रहती है। फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट्स रहते हैं देखो, सबसे पहला फाइनल अकाउंट में रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, तो फाइनल अकाउंट में क्या रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये बेसिक है। एक ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फिर उसके बाद एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको बहुत ये सब मतलब बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान। यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग दूसरा अकाउंट बनाए थे, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये सारे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में हम एंट्री करते हैं जो भी ट्रायल बैलेंस में आइटम्स रहते हैं, मतलब मशीनरी परचेज जो जो रहता है। अब उन सबको हमें डिसाइड करना रहता है कि हम किस में भेजेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर हम भेजने वाले हैं उसको बैलेंस शीट में। अब ये तो हो गया, अब इसके बाद क्या होता है कि और कुछ होता है? हाँ होता है, कभी कभी जो फाइनल अकाउंट हमारे बिजनेस में पार्टनर्स भी होती है। पार्टनर्स मतलब जैसे समझ लो आपने पार्टनरशिप में किया है, राइट, पार्टनरशिप आपने पढ़ा है, आपकी जगह पे आपका कोई दोस्त है वो भी आपके बिजनेस में इंक्लूड हो गया, तो वहाँ हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से चलता है। कुछ कुछ लोग ये भी बनाते हैं गुडविल अकाउंट, बट गुडविल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हमें बैलेंस शीट में ही लिखना रहता है। मैं आपको समझाऊंगी जिस वजह से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आपको डेफिनेटली बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, माना थोड़ा लेंदी लगेगा बट ये अकाउंट्स है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेंदी है तो भी पढ़ो, पढ़ने का है ना, समझना है हमें। एग्ज़ाम में एक बार अगर आपको बेसिक समझ गया तो ये फाइनल अकाउंट के थ्रू मैं आपको जैसा पढ़ा रही हूँ ना, आपको ये आगे भी काम आएगा। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, सिंगल एंट्री तो आपके लिए तो बहुत इजी हो जाएगी, साथ में डिसोल्यूशन आता है, फिर उसके बाद हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर नॉन कॉपरेशन, मतलब बहुत सारे सम्स है। ट्वेल्थ के जितने भी सम्स है, जो भी अपना सिलेबस है पूरा, बहुत इजी भी मैं आपको समझ में आएगा अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो। तो ट्रेडिंग अकाउंट से ही समझ में, ट्रेडिंग अकाउंट जो था मैंने बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट था, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट मतलब वो फैक्ट्री अकाउंट एक तरीके से, जो भी रिलेटेड मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारा किस में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। किस में? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर जो भी ट्रांजेक्शन किस से रिलेटेड है, हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो वो हम किस में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर कोई ट्रांजेक्शन ऑफिस से रिलेटेड है तो उसको हम लिखेंगे P&L अकाउंट में। P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको हम लिख देंगे P&L अकाउंट में। और अगर समझो जो भी मतलब आपका असेट्स है, लाइबिलिटी है, जो भी, जैसे मैं बोल लूँगी कैश असेट्स है, फिर बैंक लोन लाइबिलिटी है, मतलब जो भी आपके असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड है वो आप किस में लिखोगे, बैलेंस शीट में। ओके, तो ये हो गया हमारा कि आइटम कौन से किधर जाएगी। ये याद रखना कि फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आया तो उसको ट्रेडिंग में भेजना है, ऑफिस से रिलेटेड आया तो उसको P&L में भेजना है, और साथ में असेट्स एंड लाइबिलिटी आई तो उसको हम बैलेंस शीट में भेजेंगे। अब समझो ट्रेडिंग अकाउंट में दो होता है हरदम, अगर जो भी अकाउंट है, अकाउंट में ऑलवेज दो साइड होती है, एक रहता है डेबिट और दूसरा रहता है क्रेडिट। अब क्या हुआ कि
अब ट्रेडिंग अकाउंट समझो मैं बना रही हूँ, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर जैसे समझो मैंने क्या किया, वेजेस, वेजेस हम किसको देंगे? वेजेस हम देंगे वर्कर्स को। तो वर्कर्स को वेजेस देंगे तो वर्कर्स कहाँ रहते हैं? ऑफिस में वर्कर्स मिलेंगे, ऑफिस में जो हमें मिलते हैं वो हमारे एम्प्लॉई रहते हैं। तो जो वर्कर्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? फैक्ट्री में रहते हैं। तो यहाँ जो भी वेजेस कभी भी आया तो वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग, और याद रखना जितने भी एक्सपेंसेस हो या जितनी भी इनकम हो, एक्सपेंसेस ऑलवेज हमारे डेबिट में आएगा, एक्सपेंसेस या लॉस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हो। जैसे मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट का रूल कहाँ फॉलो होने वाला है फाइनल अकाउंट में, तो वही होगा कि एक्सपेंसेस और लॉसेस से रिलेटेड जितने भी आइटम रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? डेबिट में। और जो भी इनकम रहेगी और गेंस रहेगी, हमें प्रॉफिट हुआ रहेगा, इनकम रहेगी, वो हमारे किस में जाएगी? क्रेडिट में। अगर मैं बोलूँगी वेजेस पे हुए हैं तो वो कहाँ रहेंगे? एक्सपेंसेस लॉसेस में या ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर वहीं मैं बोल दूँ कि सैलरी पे हुआ है तो सैलरी किस में जानी चाहिए? वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस से रिलेटेड है, तो वो कहाँ जाएगी? पीएनएल में। पीएनएल के कौन से साइड जाएगी? पीएनएल के वो डेबिट साइड जाएगी। अगर मैं बोलूँगी कमीशन रिसीव हुआ है, मतलब आपको कमीशन मिला है, मैं कंपनी हूँ या आप भी कंपनी हो, अज्यूम करो, तो फिर अगर क्या हुआ है? आपको कमीशन मिला है, तो वहाँ क्या होगा कि आपको इनकम हुई है। जब आपको इनकम हुई है तो आप उसको कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में लिखोगे। अब किसके क्रेडिट में लिखोगे? कमीशन तो आपको फैक्ट्री में तो मिल नहीं सकती, वो कोई हमारा असेट्स और लायबिलिटी तो है नहीं, तो वो हमारी इनकम है, और वो कहाँ जाएगी? पीएनएल में, क्रेडिट साइड। समझा? अब समझो मैं बोलूँगी कि मुझे क्या हुआ है, मेरी बिल्डिंग है, अब कंपनी की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की एंट्री हम कितनी करेंगे? बिल्डिंग का अमाउंट समझ लो 5 लाख है, 5 लाख होता नहीं है पर समझो, तो अब 5 लाख की बिल्डिंग है अमाउंट है, तो उसकी एंट्री हम फैक्ट्री वाले ट्रेडिंग अकाउंट में कर सकते? नहीं। पीएनएल में कर सकते? हमारा प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस इनकम है? नहीं, वो हमारी असेट्स है, तो उसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? बैलेंस शीट में करेंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ करेंगे? असेट साइड। तो असेट साइड में हम लोग यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, इस तरीके से करेंगे। और अगर वही लोन आ जाए, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए, क्रेडिटर्स आ जाए कि हमने किसी से लोन लिया है या जो भी पैसा उधार लिया है, तो वो वाली एंट्री हम कहाँ करेंगे? लायबिलिटी साइड में। अभी के लिए ये बेसिक नॉलेज है कि किस तरीके से एंट्री की जाएगी, कि जो भी असेट्स रहेगी उसको असेट्स में डालेंगे, जो लायबिलिटी होंगे लायबिलिटी में डालेंगे, जो ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम है उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और जो ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है उसे हम किस में लिखेंगे? पीएनएल में लिखेंगे। तो ये बेसिक है कि इतना याद रखना चाहिए कि ये बहुत ईजी है। तो अब आगे आने वाले वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में आपको प्रोफोमा आपके साथ डिस्कस करूँगी कि उसमें आइटम्स दिया रहेगा कि कितने सारे आइटम्स ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री में आ सकते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट में आ सकते हैं या पीएनएल में आ सकते हैं या बैलेंस शीट में। तो मैं आपको प्रोफोमा आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, जिसमें आज अभी हमने जो पढ़ा है हमने कुछ ही आइटम्स पढ़े, 4-5, जैसे सैलरीज, वेजेस, ओके। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे आइटम्स पढ़ेंगे, उसको डायरेक्ट प्रोफोमा के थ्रू इजी वे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको आज की मेरी वीडियो और ये समझ में आया हो कि बेसिक ऑफ फाइनल अकाउंट है क्या, तो डेफिनेटली आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।